welcome you friends i am devendra Chaudhary. in this video we are going to discuss sexual reproduction in fungi this is for the continuation of lecture 5 this is for the course fundamentals of plant pathology till now we have covered up to the point 8 so in this video we are going to learn sexual reproduction in fungi and different types of sexual fruiting body and sexual spores so let's get started reproduction in fungi reproduction is the formation of new individual having all the characteristics of the species there is two type of reproduction first is ar second is sr AR is known as asexual or non sexual or vegetative or somatic reproduction. SR SR involves union of two compatible nuclei or somatic cells or somatic hyphae for the formation of new individual. SR is also known as perfect stage or telomorphic stage. Sexual cycle normally occurs once in the life span of fungus sexual spores are thick walled resistant to unfavorable condition and are viable for longer period thus these spores help in fungus to survive from one season to another and called as resting spore so esar ke liye, do nucleus या दो सोमेटिक सेल या दो सोमेटिक हाइफी की ज़रूरत पड़ती है और फंगस का वो स्टेज जिसमें कि एस आर प्रजेंट होता है उसे परफेक्ट स्टेज या टीलोमार्फिक स्टेज कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल राइस ब्लास्ट फंगस राइस ब्लास्ट फंगस में पायरिकुलेरिया और इसमें एस आर एबसेंट होता है इसीलिए इसे एनामॉर्फिक स्टेज कहते हैं लेकिन मेग्नापोर्थी इसमें एस आर प्रजेंट होता है और इसे टीलोमॉर्फिक स्टेज कहते हैं सो एक ही फंगस के दो स्टेज हो सकते हैं सेक्सुअल साइकिल फंगस के लाइफ में केवल एक ही बार होता है और जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के लिए इसीलिए इसे रेस्टिंग स्पोर भी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ओमाइसिट्स में उपोर्स बेसिडियोमाइसिट्स में बेसिडियोस्पोर ओके okay. फेजेस इन एस आर so, सो इसमें तीन फेज होते हैं प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी एंड मियोसिस प्लाज्मोगेमी इज द यूनियन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन कैरियोगेमी इज द यूनियन ऑफ टू सेक्सुअली कंपेटेबल न्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस और म्योसिस दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन दस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज रिड्यूज टू हेप्लॉयड इस पिक्चर में समझते हैं यहाँ पर दो सेल है प्लस और माइनस ये दोनों सेल आपस में मिलते हैं जिसके कारण से जो उनके बीच का सेल वॉल है वो डिसअपियर हो जाता है और दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है लेकिन अभी भी जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग प्रेजेंट हैं इसी कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोगेमी उसके बाद जो उनके न्यूक्लियस हैं वो आपस में मिक्स होकर टू एंड कंडीशन बनाता है इसे कहते हैं कैरियोगेमी कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होता है और चार एन न्यूक्लियस वाले सेल बनते हैं मेथड्स ऑफ एस आर इन फंजाई सो पांच मेथड्स हैं प्लेनोगेमेटिक कपलेशन गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट गैमेटेंजियल कपलेशन स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी पहले देखते हैं प्लेनोगेमेटिक कपलेशन दिस इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू नेकेट गैमिट्स वन और बॉथ ऑफ द गैमिट्स आर मोटाइल सो so, इसमें क्या होता है दो गैमिट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों या इनमें से केवल एक मोटाइल होता है मोटाइल मतलब वो अपने एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिला। सो ये थ्री टाइप के होते हैं आइसोगेमी एन आइसोगेमी और हेट्रोगेमी आइसोगेमी क्या होता है ऐसा कंडीशन जिसमें दोनों गेमिट मोटाइल होते हैं और सिमिलर होते हैं मतलब इनका साइज भी सेम है और सेप भी सेम है और दोनों के दोनों मोटाइल हैं ये किसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। दूसरा है एन आइसोगेमी इसमें क्या होता है दो सेल इन्वॉल्व होते हैं लेकिन दोनों का सेप सेम होता है लेकिन जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है और दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं एक इसमें प्रेजेंट होता है एलोमाइसिस में तीसरा है हेट्रोगेमी इसमें जो दोनों गेमिट्स हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं और उनमें से एक मोटाइल होता है और दूसरा नॉन मोटाइल होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है मोनोब्लेफर में गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट मेल एंड फीमेल गेमिटेंजिया कम इन कॉन्टेक्ट एट द प्लेस ऑफ कॉन्टेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ वॉल अकर देन मेल न्यूक्लियस माइग्रेट इन टू फीमेल गेमिटेंजिया इधर थ्रू अ पोर आर थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट द केमिटेन्जिया डो नॉट लूज देयर आइडेंटिटी ये किसमें प्रेजेंट होता है पीथियम में और इरीसिपी में सो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है ये है उमाइसिड्स का और राइट right साइड में जो पिक्चर है वो है एस्कोमाइसिड्स का ऊमाइसिड्स में जो फीमेल पार्ट होता है उसे ऊगोनियम कहते हैं और जो मेल गेमिट होता है उसे एंथरीडियम कहते हैं ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं और एंथरीडियम से मेल न्यूक्लियस माइग्रेट करके उगोनियम में चले जाता है और यहाँ पर टू एंड कंडीशन बनता है और बाद में सेक्सुअल स्पोर बनता है वैसा ही एस्कोमाइसिट्स में जो फीमेल गेमिट्स होता है उसे एस्कोगोनियम कहते हैं और जो मेल गैमिट्स होता है उसे एंथीडियम कहते हैं जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है जिसे ट्राइकोगाइनी कहते हैं इसके थ्रू मेल न्यूक्लियस एस्कोगोनियम में मूव करता है और फिर म्योसिस होती है और एस्कस बनते हैं गेमिटेंजियल कपलेशन इंटायर गेमिटेंजिया एक्ट एज अ गैमिट

राइजोपस। सो so, इसमें क्या होता है जो गेमिटेंजिया होता है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और कांटेक्ट में आते हैं जहाँ कांटेक्ट में आते हैं वहाँ का जो वाल है वो डिसॉल्व हो जाता है और ये एक ही यूनिट बना लेता है धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता है और सेक्सुअल स्पोर बनता है जो स्पोर बनता है उसे क्या कहते हैं जाइगोस्पोर चौथा है स्पर्मेटाइजेशन या स्पर्मेटोगेमी इट अकर्स इन एस्कोमाइसिट्स लाइक न्यूरोस्पोरा एंड बेसिडियोमाइसिट्स लाइक पक्सी ग्रेमिन टिटीसी माइन्यूट यूनिन्क्लिएट मेल गेमिट्स कॉल्ड एज स्पर्मेसिया विच आर प्रोड्यूस्ड इन स्पर्मेसियोफोर्स फीमेल गेमिट्स नॉन एज रिसेप्टिव हाइफी स्पर्मेसिया कैरिट टू रिसेप्टिव हाइफी बाई विंडस वाटर और इंसेक्ट दे कम इन कॉन्टेक्ट एंड कंटेंट ऑफ मेल स्पर्मेसिया माइग्रेट इंटू फीमेल रिसेप्टिव हाइफी एंड मेकिंग ऑफ हैट्रोकैरियोटिक कंडीशन द प्रोसेस इज कॉल्ड डाई कैरियोटाइजेशन ओके सो इसमें क्या होता है जो मेल पार्ट होता है उसे स्पर्मेशिया कहते हैं जो कि स्पर्मेसियो फोर में बनता है और ये एन होता है और जो फीमेल पार्ट होता है उसे रिसेप्टिव हाइफी कहते हैं जो इस्पर्मेसिया है वो इंसेक्ट विंड या वाटर के थ्रू रिसेप्टिव हाइफी के कांटेक्ट में आता है और जैसे ही कांटेक्ट में आता है जो मेल न्यूक्लियस है वो ट्रांसफ़र होके रिसेप्टिव हाइफी में चले जाता है और हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बनाता है जिसे डाई कहते हैं और यह केवल कुछ एस्कोमाइसिट्स में और कुछ बेसिडियोमाइसिट्स में प्रेजेंट होता है सोमेटोगेमी मैनी हायर फंजाई डो नॉट प्रोड्यूस एनी सेक्स ऑर्गन्स इन सच केसेस सोमेटोगेमी टेक प्लेस इट इज द यूनियन ऑफ टू सोमेटिक हाइफी आर सोमेटिक सेल रिप्रेजेंटिंग अपोजिट सेक्स टू फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स इट इज प्रेजेंट इन एगेरिकस सो so, इसमें क्या होता है दो हाइफ़ी हैं अपोजिट मेटिंग टाइप के फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लस है तो ये माइनस है अब क्या होगा जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो एक का न्यूक्लियस दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है और हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बनाता है इसी को क्या कहते हैं सोमेटोगेमी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है आइसोगेमी मतलब कि जो दोनों गेमिट्स हैं वो इक्वल साइज के हैं और दोनों के दोनों मोटाइल हैं फिर है एन आइसोगेमी एक का जो साइज है वो दूसरे से बड़ा है फिर है गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट इसमें क्या होता है कॉन्टेक्ट होता है दोनों गेमिट्स के बीच में उसके बाद पोर्स बनते हैं या फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है और जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है गेमिटेंजियल कपलेशन इसमें दोनों गेमिट का आपस में कॉन्टेक्ट होगा और एक नया गैमिट्स बनता है जैसे कि जाइगोस्पोर स्पर्मेटाइजेशन इसमें स्पर्मेसिया होगा और रिसेप्टिव हाइफी होगा फिर है सोमेटोगेमी इसमें क्या होता है दो अलग अलग स्ट्रेन के माइसिलियम आपस में मिक्स हो जाते हैं और हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बनाते हैं अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से हैं स्पोर्स, जाइगोस्पोर्स एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर सो इसका यूज़ होता है क्लासिफिकेशन में जो फंगस ऊ स्पोर्स बनाएगा वो किस में आएगा मेस्टिगोमाइकोटीना में या क्लास उमाइसिड्स में जाइगोस्पोर बनाने वाले फंगस जाइगोमाइकोटीना में एस्कोस्पोर बनाने वाले फंगस एस्कोमाइकोटीना में और बेसिडियोस्पोर बनाने वाले फंगस बेसिडियो में ठीक है पहले देखते हैं स्पोर्स। सो उस पोर so, का फॉर्मेशन कैसे होता है गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट के बाद और ये किसमें प्रेजेंट होता है पिथियम फाइटोपथोरा या फिर मेंबर्स ऑफ क्लास ऊमाइसिट्स ठीक है so, सो स्पोर्स क्या होता है ये डिप्लॉइड होता है अब देखते हैं जाइगोस्पोर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है गेमिटेंजियल कॉपोलेशन के बाद दो अलग अलग स्टेन के गेमिटेंजिया आपस में आते हैं कांटेक्ट होता है और आपस में वो न्यूक्लियस को ट्रांसफर करते हैं और एक नया स्पोर बनता है इसे क्या कहते हैं जाइगोस्पोर यह किसमें प्रेजेंट होता है राइजोपस में या सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना में यह भी कैसा है डिप्लॉइड होता है टू एन फिर आते हैं एस्कोस्पोर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में जैसे कि इरिसिफी। और एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है एस्कस में जनरली एक एस्कस में एट एस्कोस्पोर होते हैं और ये जो एस्कोस्पोर होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं एन होते हैं मोस्टली एस्कस का फॉर्मेशन किसी भी फ्रूटिंग बॉडी में होता है जैसे कि क्रिस्टोथीसिया यह एक क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी है पेरीथीसिया ये पियर सेप का फ्रूटिंग बॉडी है एपोथीसिया ये कप सेप का फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोस्पोर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना में बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन किस में होता है बेसिडियम में ये जो फुला हुआ पार्ट है ये है बेसिडियम इन जनरल एक बेसिडियम में चार बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये भी एप्लॉइड होते हैं एन होते हैं अब देखते हैं सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज मोस्टली जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो किसी फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं जैसे कि क्रिस्टोथिसिया, पेरीथीसिया एपोथीसिया सोडोथीसिया और बेसिडियोकार्प सो so, वन टू फोर है ये सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में बनते हैं और ये जो फिफ्थ नंबर का है बेसिडियोकार्प ये सब डिविजन बेसिडियोमाइकोटीना भी बनते हैं एक एक करके सबको देखते हैं क्लिस्टोथीसिया दिस इज अ क्लोज फ्रूटिंग बॉडी सो ये क्लोज होता है लेकिन जब ये रप्चर होता है मतलब टूट जाता है तब जाके एस्कस बाहर आते हैं तो ये जो पिक्चर दिख रहा है ये ओपन है इन जनरल ये क्लोज होता है लेकिन जब ये मेच्योर हो जाता है अब एस्कस को बाहर आना होता है उस समय ये टूट जाता है और यहाँ से एस्कस बाहर आते हैं और एस्कस से एस्कोस्कोर इसमें एक माइसिलियम लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसे अपनडेजिस कहते हैं और जो इनका सेप है वो अलग अलग होता है इनके बेसिस में जो एरिसिफी जेनरा है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है बाद में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे पेरिथीसिया यह एक पीयर सेप का फ्लोटिंग बॉडी है जिसमें एस्कस बनते हैं और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं और पीयर सेप का एसेक्सुअल फ्लोटिंग बॉडी होता है जिसे कहते हैं पिकनेडियम लेकिन ये पेरीथीसिया है मतलब ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे ये हो गया एस्कस सो एस्कस के किनारे में एक माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं पैराफाइसिस ठीक है सो एस्कस और पैराफाइसिस ऐसे अल्टरनेट पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं अब इसमें एक ओपनिंग होती है जहां से ये जो एस्कस हैं या एस्कोस्पोर वो बाहर आते हैं उसे क्या कहते हैं ओस्टियोल एपोथीसिया दिस इज ओपन कप और सॉसर सेब्ड फ्रूटिंग बॉडी ये कप सेब का होता है और इसमें हाइमेनियम लेयर प्रेजेंट होता है और हाइमेनियम लेयर से ऐसे एस्कस और पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं एस्कस के अंदर आठ एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं सुडोथीसिया सो so, ये जो सुडोथीसिया है ये लोक्यूलो में प्रेजेंट होता है जिसमें एसआई बनता है और एसआई के अंदर एस्कोस्पोर सुडोथीसिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कोस्ट्रोमा इसे एस्कोस्ट्रोमा भी कहते हैं इसका एक कोई प्रॉपर सेप नहीं होता है यह सिंपली माइसिलियम का एग्रीगेशन होता है और बीच बीच में लॉक्यूल्स बनते हैं और इन लॉक्यूल्स के अंदर में एस्कस बनते हैं यह किसमें प्रेजेंट होता है एप्पल स्केव फंगस वेंचूरिया इन एक्वेलिस में अब आते हैं बेसिडियोकार्प जो हम मशरूम खाते हैं वो क्या है एक बेसिडियोकार्प है ठीक है अब ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर भी जो पुराने ट्रीज होते हैं उसमें आप देख सकते हैं तो ये क्या है बेसिडियोकार्प इसमें क्या होता है इसके नीचे साइड में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स में क्या प्रोड्यूस होता है बेसिडियोस्पोर ये जो बेसिडियोस्पोर होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर है सो जहाँ से बेसिडियोस्पोर बनता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेसिडियोकार्प इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद